लास्ट वीक हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक 7 साल के बच्चे के साथ वो सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था। उस बच्चे का जो है जब हमारे पास हमारे नोटिस में आया तो वो मेंटली एज वेल एज फिजिकली वो उसकी बहुत हालत ख़राब थी। तो डीसी साहब ने इनिशिएटिव लेते हुए इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अपने खर्चे पे एक साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजा। और उसके बाद हमने जो कॉग्निजेंस लिया, हमने FIR रजिस्टर की और जो एक्यूज था उसको भी अरेस्ट किया। ऑल्दो एक्यूज भी माइनर था, बट एक्यूज का भी हमें लगता है कि जो माइनर हो उनको भी जो है साइकेट्रिस्ट की मतलब ट्रीटमेंट चाहिए। बट आफ्टर जब वो केस से फारिग होगा उसके बाद हम उसको भी साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। मेरी पूरी सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट है कि इस केस में भी जो फैमिली थी बच्चे की वो बड़ी रिलक्टेंट थी केस को रिपोर्ट करने में। उसके पेरेंट्स बड़े रिलक्टेंट थे बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा। मैं सभी लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपके नोटिस में ऐसा कोई केस आए तो काइंडली हमें इन्फॉर्म करें। हम विक्टिम का जो है नाम और वो है सीक्रेट रखेंगे, उसकी पेरेंटेज या उसका सब कुछ सीक्रेट रखेंगे। इवन जो आदमी रिपोर्ट करेगा उसका भी नाम और पता सीक्रेट रखा जाएगा। जैसे कि हमारे एक NGO ने रिपोर्ट किया तो हमने NGO का भी नाम कहीं सामने नहीं आने दिया। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये चाइल्ड अब्यूज़ जो है, जो भी चाइल्ड बच्चे जो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं उनकी हमें रिपोर्ट की जाए और सबका जो है सीक्रेसी मेंटेन की जाए।